नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। धर्मशाला विधानसभा घटना का एक आरोपी गिरफ्तार है। जी हाँ, कहाँ से गिरफ्तार किया गया है पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। बीटेक प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन, जी हाँ कब तक आवेदन कर सकते हैं पूरी जानकारी ये भी आपको देंगे। टिकट देने से पहले सर्वे करवाएगी कांग्रेस पार्टी, जी हाँ किस तरह से सर्वे होगा ये भी पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आइए अब जानते हैं और भी कई खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल प्रदेश आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर 31 मई को हिमाचल प्रदेश में राष्ट्र स्तरीय समारोह आयोजित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस राष्ट्र स्तरीय समारोह को आयोजित करना चाहता है जिसमें देश के सभी जिले शामिल होंगे। उन्होंने प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए प्रधानमंत्री के विशेष लगाव और प्रदेश का त्वरित विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य को सहयोग प्रदान करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार के ईमानदार और अथक प्रयासों से भी अवगत करवाया। पीड़ित बच्चों की सूचना देने के लिए चाइल्डलाइन नंबर 1098 पर संपर्क करें। ये नंबर वर्ष के 365 दिन हर समय कार्यरत रहता है। आपको बता दें कि जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए जानकारी उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने दी। उन्होंने कहा कि सोलन जिला में इस हेल्पलाइन नंबर से अभी तक 264 बच्चों को सहायता प्रदान की गई है। कृतिका कुल्हारी ने कहा कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य सरकार एवं समाज की भागीदारी के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के साथ अन्य कमजोर बच्चों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण का निर्माण करना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि धर्मशाला विधानसभा में हुई घटना में राज्य पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि आज प्रातः पंजाब से इस घटना के एक आरोपी हरविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर धर्मशाला में दीवार पर खालिस्तानी झंडा और भित्ति चित्रण के आरोपों को स्वीकार कर लिया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस के संयुक्त प्रयासों से दूसरे आरोपी विनीत सिंह को भी शीघ्र ही ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय दूरसंचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि उनके निधन के कांग्रेस और प्रदेश को नुकसान हुआ है। प्रदेश कांग्रेस 7 दिन तक शोक मनाएगी। इस दौरान पार्टी के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन शिमला में शोक सभा रखी गई। इसमें जिला शिमला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, इंटक, NSUI कार्यकर्ताओं और युवा कांग्रेस के नेताओं ने पूर्व केंद्रीय दूरसंचार राज्य मंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पंडित सुखराम का देश में दूरसंचार क्रांति लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की प्रति कोर्स 60 सीटों पर प्रवेश के लिए 12 मई से एडमिशन पोर्टल खुल जाएगा। इसका लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 30 जून तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है। भूंतर की एक निजी कंपनी में सेल एग्जीक्यूटिव और अकाउंटेंट के 10-10 पद भरे जाएंगे। अकाउंटेंट पद के लिए शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर और सेल एग्जीक्यूटिव पद के लिए स्नातक अनिवार्य है। जिला रोजगार अधिकारी मनोरमा देवी ने बताया कि निजी कंपनी में एग्जीक्यूटिव और अकाउंटेंट के 20 पद भरे जाएंगे। इसके लिए पात्र युवाओं की आयु सीमा 20 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थी को 10,000 से 15,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्कूल स्तर की अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी को सरकार ने बढ़ा दिया है। अब 120 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से डाइट मनी खिलाड़ियों के लिए निर्धारित की गई है। प्रदेश सरकार की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस साल से नई डाइट मशीन के हिसाब से खिलाड़ियों को 3 समय का खाना परोसा जाएगा। डाइट मनी बढ़ाने से खिलाड़ियों के लिए काफी राहत भरी खबर है। पहले स्कूली खिलाड़ियों को 60 रुपये डाइट मनी मिलती थी। ऐसे में 3 टाइम का खाना खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाना आयोजकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता था।
दो साल बाद हिमाचल में विदेशी सैलानियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। राजधानी शिमला से धर्मशाला, कुल्लू मनाली, लद्दाख और लाहौल स्पीति विदेशी सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। प्रदेश में हजारों लोग विदेशी पर्यटन कारोबार से जुड़े हैं। मार्च 2020 में कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद विदेशों से फ्लाइट्स पर रोक लगाई गई थी। करीब दो साल बाद विदेशी सैलानियों की आमद जो है वो अब बढ़ने लगी है। बीते 27 मार्च से बाहरी देशों से फ्लाइट सेवा बहाल होने के बाद सैलानियों की आमद में बढ़ोतरी शुरू हुई है। ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों से भी विदेशी सैलानी हिमाचल पहुंच रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन से पहले हाईकमान सर्वे करवाएगा। सर्वे में जीता उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिन सीटों में 3 से अधिक बार विधानसभा चुनाव हारी है उन सभी सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी जाएगी। प्रतिभा ने हिमाचल कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस के राजस्थान के उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर से लौटने के बाद सिरमौर जिले का दौरा करेंगी और पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात कर उनके विचार जानेंगे। इसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों का भी दौरा किया जाएगा। पहले पेपर सॉल्वर करने वालों और इस बार पेपर लीक होने से हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा रद्द होने के बाद अब सरकार पुख्ता बंदोबस्त करने में जुट गई है। राज्य सचिवालय में मंगलवार को इसको लेकर मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बार लिखित परीक्षा में चारों सीरीज के प्रश्न अलग अलग करने को लेकर बैठक में इसे लेकर चर्चा हुई। प्रश्न पत्र के कई सेट तैयार किए जाएंगे। अभी तक चारों सीरीज में प्रश्न एक जैसे ही डाले जा रहे थे, बस ये आगे पीछे होते थे। लिखित परीक्षा का परिणाम भी 5 दिन बाद घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।